आप लोगों के घर में शादी के कार्ड किसी भी कलर के जो पड़े होंगे उससे बहुत सुंदर सा बना सके, कटोरी या कोई भी चीज़ गोला, घर के छोटे बर्तन, उसको लेकर आप उसे गोला बना सकते हैं। इसको ऐसे रख के बस पेंसिल की सहायता से निशान लगाएंगे और इसको कैंची से काट लेंगे। सफाई के साथ कार्ड से बहुत ही सुंदर आप टीएलएम बना सकते हैं। आप एक ही कार्ड में देखिए आपको दो कलर मिल जाएंगे, एक तरफ गाढ़ा है एक तरफ हल्का है, आप दो कलर मिल गया आपको। ऐसे आपका एक कलर जिस कलर पे मतलब जितने कलर के आपके पास हो आप बना सकते हैं। हमारे पास तो बस रेड और येलो ही था और बस हम लिख दिए इसमें आ की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे हम, जैसे नाक, ऐसे ढेर सारे जो काटे हुए हैं उसमें सब में ऐसे आ की मात्रा वाले शब्द लिख लेंगे। मेरे पास तो देखिए बस पीले और लाल ही हैं और अलग अलग कलर से हम लिखे हुए हैं ताकि देखने में अच्छे लगे बच्चों को। और ये है जो कपड़ों में कागज़ निकलता है नए कपड़ों में, वही कागज़ ले लिए हैं, उसको हम फेंके नहीं रख लिए थे। टी शर्ट में बच्चों के कपड़े में ये कागज़ निकलता है अंदर उसमें रहता है, अब उससे हम घड़ा बनाएंगे। पेंसिल की सहायता से इसे निशान बना लेंगे, फिर इसको काटेंगे। चार्ट पेपर लेंगे, एक चार्ट पेपर उनके दो भाग कर लेंगे आधा, खूब बढ़िया हो जाएगा, उससे आधे ही भाग में बन जाएगा। और उस चार्ट पेपर में जो घड़ा बनाया है कट किए हैं उसको चिपका देंगे ग्लू की सहायता से, खूब अच्छे से चिपकाएंगे। और ये जो गोले वाले कार्ड जो काट के लिखे हुए थे अब इसको चिपका देंगे, सारे कार्ड को अच्छे से सेट करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर और अलग अलग कलर के मतलब एक ही कलर के पूरे पास पास में नहीं करेंगे, अलग अलग कलर के रहेंगे तो देखने में भी अच्छे लगेंगे, बच्चों को बहुत आकर्षक दिखेंगे और खुश होकर उसको पढ़ेंगे भी बच्चे। सारे कार्ड चिपक गए हैं, अब इनकी टहनियाँ बनाएंगे
हमने मार्कर ले लिया है, आपके पास जो भी कलर हो आप उससे बना सकते हैं। पूरी टहनियाँ बन गई हैं, इसमें अब पत्तियाँ बनाएंगे बीच बीच में, ताकि देखने में सुंदर भी दिखेगा। पत्तियाँ भी बन गई, अब घड़े को थोड़ा सा सजा देंगे, डेकोरेट करेंगे ना, तो खूब अच्छे से पता भी चलेगा, दिखने लगेगा घड़ा और सुंदर दिखेगा। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चार्ट ये बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा मजबूत रहे, जल्दी ख़राब ना हो। देखिए इसमें हमने पेपर लगाया है पीछे, और ये ऊपर जो है वो थोड़ा सा मोड़ दिया है, पेपर मोटा कर दिया है, और आगे से पॉलिथीन लगा दी है ताकि गंदा और ख़राब ना हो, धूल मिट्टी से टाइट भी हो गया है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगने लगा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।